हेलो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही खतरनाक होने वाला है यार। ऐसा यूँ समझ लीजिए कि रिक्स मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं देखा था और इस काम में। तो गाइस, सबसे पहले तो काजूलाल ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद होगा कि बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। तो गाइस, आज आपको दिखाने वाले हैं एक खतरनाक बाइट जैसा मैंने कभी नहीं देखा होगा और आपने भी नहीं देखा होगा। आपने एकदम बिल्कुल देखा ही नहीं होगा गाइस, जिस तरीके से मैंने आज बाइट बंधा हुआ देखा है, मिस्त्री को काम करते हुए देखा है। गाइस, आज आपको भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो भाई मेरे चैनल पर नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्किप करके ना देखें। अगर गाइस वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा और हालाँकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो गाइस, आइए चलिए चलते आपको दिखाते हैं कि कैसे बाइट बना गया और कैसे मिस्त्री काम कर रहे हैं। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आइए गाइस, आपको दिखाते हैं। आइए गाइस, आपको दिखाते हैं किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये देखिए, पाइप बांधा गया है और ये मैं दे रहा हूँ उनको साहुल। देख सकते हैं गाइस, ये आप साहुल से अभी देखेंगे सीधा है कि नहीं। अभी आपको दिखा रहे हैं कि पाइप किस तरीके से बांधा गया है। ये देखिए, हवा में बिल्कुल पाइप है और ये हम लोग तीसरे तल्ले के ऊपर, सबसे ऊपर देख रहे हैं गाइस। ऊपर से देखने में नीचे कैसा लग रहा है, हर चीज़ें छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं और देख सकते हैं पाइप कैसे बांधा गया है। देख रहे हैं मिस्त्री बिल्कुल हवा में है और पाइप बिल्कुल हवा में है। हालांकि खुद को सुरक्षित रखने के लिए अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए रस्सी बांधे हुए हैं और ये रस्सी कहाँ बांधे हुए हैं अभी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पाइप कैसे बांधा गया है, बहुत ही सॉलिड तरीके से पाइप बांधा गया है जो ज़रा सा टस से मस ना हो। अभी मिस्त्री ज़रा सा इनको पानी की आवश्यकता है, मैं थोड़ा सा इनको पानी दे देता हूँ। हालाँकि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने पानी का सुविधा कहाँ पर बना रखा है। आइए गाइस, ये देखिए पानी का स्टॉक है और मैं ये रख लिया पानी और दे दिया इनको और अभी ये अपना काम करेंगे। और मैंने इनको सारा ज़रूरत का सामान इनके पास रख दिया है। ये रहा पानी, अभी आपको गाइस दिखा रहे हैं कि इस तरफ से मैंने आपको दिखा दिया और उस तरफ से दिखा रहे हैं कि कैसा लग रहा है। आइए गाइस, तो ये देखिए देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से पाइप बांधा गया है। और जिस तरीके से पाइप बांधा गया है, इस तरीके से पहली बार मैंने पाइप बांधा है और बहुत ही ख़तरनाक पाइप बांधा गया। हालांकि ज़रा सा भी टस से मस नहीं हुआ क्योंकि रस्सी बिल्कुल टाइट बांधा गया। ये देख रहे हैं फ्रेम में मोटा रस्सी बांध करके अपने कमर में बांध लिया ताकि अगर पाइप टूटे तो ये ऊपर ही रह जाए, खुद को सुरक्षित रखें। देख रहे हैं गाइस, खुद को सुरक्षित रखते हुए काम किस तरीके से किया जा रहा है। गाइस, ऐसा हर कोई नहीं करता। अभी गाइस मैं आपको अभी नीचे से दिखा रहा हूँ। ये देखिए नीचे से देख रहे हैं गाइस, है ना, बहुत काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर और पाइप बिल्कुल हवे में है। देख रहे हैं गाइस, ऐसा किसी और करना होगा तो वो जाके इनकार कर दे। गाइस, आप लोगों ने जो है कितने रिक्स भरा यार, जिंदगी है तो ऐसा ऐसा दिन भी देखना पड़ता है, ऐसे ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जैसा कि हम लोगों ने सोचा नहीं था। लेकिन आज ऐसा काम करते हुए देख कर मेरा तो रूह कांप गया। हालांकि मैंने अपने पूरे लाइफ में ऐसे काम करते हुए नहीं देखा था, आज मैं पहली बार ऐसे काम करते हुए किसी मिस्त्री को देखाऊँ और इतना जोखिम भरा जितना कोई लेगा ही नहीं। अगर ऐसा काम करने के लिए किसी कच्चे दिल के इंसान को कह दिया जाए तो वो बोलेगा पैसा मैं बहुत कमाऊँगा, बट ऐसा काम मैं नहीं करूँगा क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली है। आप लोग समझ सकते हैं गाइस, आज के ज़माने में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि ऐसा ऐसा काम करते हैं। लेकिन गाइस, जिसकी मजबूरियाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और जो ठेकेदार काफ़ी अच्छा होता है उन्हीं के अंडर में ऐसे ऐसे मिस्त्री होते हैं। वरना ऐसे ऐसे मिस्त्री, मैंने तो बहुत सारे ठेकेदार के अंदर काम किया बट ऐसा मिस्त्री देखने को मुझे नहीं मिला। लेकिन गाइस, ऐसा मिस्त्री देखने के बाद सैल्यूट तो बनता है क्योंकि गाइस अगर ऐसे ऐसे राजगीर मिस्त्री रहेंगे तो हमारे यूँ समझ लीजिए कि इंडिया में एक से एक डिज़ाइनदार घर बनता रहेगा। वो भी देख सकते हैं अपने खुद के सुरक्षा के लिए किस प्रकार सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल किया जाती है। सेफ्टी बेल्ट के रूप में मोटा रस्सी अपने कमरे में बांध करके काम कर रहे थे। गाइस, हर किसी की मजबूरियाँ होती है और कुछ मजबूरियाँ छोटी होती है, कुछ बड़ी होती है। ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक बराबर मिलता रहे। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लाइब्रेरी में जा करके हमारा
चैनल आराम से ढूंढ सकते हैं, वरना फिर बाद में आप लोग को ढूंढना पड़ेगा कि भाई का ब्लॉग कहाँ गया। ठीक है, बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। लव यू गाइस।